696 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे, सो वी विल हैव, टू से पहले करते हैं, टू थ्री जन 88, फिर टू से करेंगे 174, टू से करेंगे 87, थ्री से करेंगे 29, सो 88, कुछ गलती तो नहीं किया, 348, सर इसमें 24 और 29 हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 53। अच्छा ये पूरा है यहाँ, तीन ठीक 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 3n² - 24n और 29 प्लस ऑफ 232 इज इक्वल टू जीरो। तो 3n अगर कॉमन ले लिया तो n माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 29 कॉमन ले लिया तो n माइनस 8। इज इक्वल टू जीरो। 3n - 29 × n - 8 इज जीरो। एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ नहीं सकता है, तो 29/3 नहीं होगा, एन का वैल्यू 8 के बराबर है। फोर है आंसर, कुछ गलत क्या फिर सर? ये लास्ट टर्म निकालना है ना? हाँ, तो एन का वैल्यू 8 हो गया, राइट? फाइंड द लास्ट टर्म, 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 - 1d। सो फर्स्ट टर्म है हमारा 25 प्लस 7 इंटू माइनस 3, 25 माइनस 21 4 हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम लोगों को एस एन निकालना है यहाँ पे, उस केथ टर्म ए के इज इक्वल टू 5k+1। तो देखो यार, ये जो है ए के का वैल्यू 5k+1 है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के का वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा तुम्हें, a1 = 5 × 1+1, सो दिस विल बी 5+1 = 6। सेकेंड टर्म निकालोगे तो 5 × 2+1 = 10+1 = 11 हो गया। तो मतलब a = 6 हो गया और d = 11 - 6 = 5 हो गया। a और d पता चल गया, सम हमें सम टू एन टर्म्स निकालना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a + n - 1d, पुट कर लेते हैं वैल्यू n/2 2×6 + n - 1×5, सो दिस इज n/2 × 12 + 5n - 5, सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 × 12 - 5 7 +
फाइव एन हो जाएगा, तो सेवन प्लस फाइव एन इंटू एन बाई टू ये हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Can I have the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square. Sn is equal to Pn plus Qn square. Where P and Q are constant, find the common difference. तो देखो common difference निकालने के लिए ना Sn तुम निकाल रहे हो ये है ना, और Sn minus 1 से subtract कर लोगे तो पहले या तो तुम S1 निकाल लो इससे। S1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा सम ऑफ वन टर्म्स, सो ये P प्लस क्यू हो जाएगा, P इंटू वन प्लस क्यू इंटू वन स्क्वायर। और सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी S2 निकालोगे तो ये क्या है, A1 प्लस A2 फॉर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो P इंटू टू प्लस क्यू इंटू टू स्क्वायर, टू पी प्लस फोर क्यू हो गया A1 प्लस A2। तो अब आप अगर S2 माइनस S1 करते हैं तो इससे आपको A2 मिलेगा, सो दिस इज 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस Q, ये मेरा सम ऑफ टू टर्म्स जो है उससे सम ऑफ वन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकेंड टर्म पता चलेगा, 2P माइनस P, P हो गया, 4Q माइनस Q 3 हो गया, P प्लस 3Q हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, सो दिस इज P प्लस 3Q, इससे हम लोग ए वन पी प्लस क्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पी प्लस थ्री क्यू से, सो ये हो गया पी प्लस थ्री क्यू माइनस पी माइनस क्यू, प्लस पी माइनस पी कट गया, थ्री क्यू माइनस क्यू इज टू क्यू। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो वी विल स्टॉप हियर ओनली, और मैं कुछ एपी के क्वेश्चन भेजूंगा, उसको करना आप लोग होमवर्क, ठीक है? ओके सर। लिख लिया था ना सर? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो बाय, टेक केयर।